तेरी जमीन का वारिस आ गया माँ। रहेगी तेरी निशान आज वारिस। प्रतीक बब्बर, एक्ट्रेस स्मिता पाटिल और एक्टर पॉलिटिशियन राज बब्बर के बेटे हैं। सुनाए कहानी ओ दुनिया। अच्छा मेरे बेटे, तेरी माँ तुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है। प्रतीक बब्बर ऐसे स्टार किड हैं जिन्होंने बचपन से ही मुश्किलों का सामना किया। इनके जन्म के 15 दिन बाद ही इनके सिर से माँ का साया उठ गया था। वो माँ के स्पर्श के साथ नहीं बल्कि उनके किस्से कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। जब तक ये जवान ना हो जाए इसका ख्याल तुम रखना। प्रतीक ने अपनी जिंदगी में एक किस्म का अकेलापन महसूस किया। जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते आप। जन्म के साथ ही इनकी जिंदगी में संघर्ष और दर्द रहा। जानते हैं आपके साथ हमारे कितने रिश्ते हैं? मालूम है, हम आपकी माँ हैं। प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर सन 1986 को मुंबई में हुआ। इनके जन्म के 2 सप्ताह बाद ही चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते 13 दिसंबर सन 1986 को उनकी माँ स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद प्रतीक के नाना नानी ने उनकी परवरिश की। प्रतीक बब्बर ने साल 2008 में जाने तू या जाने ना से स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए फिल्म फेयर स्क्रीन अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड सहित विभिन्न पुरस्कार समारोह में नामांकन प्राप्त किया। और तीनों में से अंतिम पुरस्कार जीता। प्रतीक ने 2011 में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं जैसे अपराध थ्रिलर दम मारो दम और राजनीतिक नाटक आरक्षण में दिखाई दिए, जबकि नाटक धोबी घाट और मैं धोबी अंदर आओ रोमांटिक कॉमेडी सहित स्वतंत्र फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया। मेरे दोस्त पिंटू बॉक्स ऑफिस पर कई असफलताओं के बाद उन्हें थ्रिलर बागी 2 ऑलराइट जा रहा हूं लेकिन फिर से आऊंगा। कॉमेडी फिल्म छिछोरे और एक्शन ड्रामा फिल्म दरबार के साथ सबसे बड़ी सफलता मिली। पाटिल बब्बर ने प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में 1 साल तक विज्ञापन फिल्म निर्माता। इस दौरान इनको किटकैट सहित कई कंपनियों के विज्ञापन फिल्मों में लिया गया। पाटिल बब्बर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म जाने तू या जाने ना से इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा के साथ की थी। तू सच में नहीं जानती कि तू जय से प्यार करती है? तू सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकेगी? You stupid, stupid girl! जेनेलिया के चरित्र के कष्टप्रद ध्यान आकर्षित करने वाले भाई के उनके चित्रण ने उन्हें आलोचनात्मक सराहना के साथ साथ कई पुरस्कार भी दिलाए। 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इनको एक विशेष जूरी प्रमाण पत्र मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन भी मिला। ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वो ऐसी फिल्मों में नजर आई जिनसे उन्हें बहुत कम पहचान मिली। 2011 में वो 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से पहली किरण राव की धोबी घाट थी जिसे दुनिया भर के फिल्म समारोह में सकारात्मक समीक्षा मिली। मैं धोबी अंदर आओ, आप मेरा फोटो ले सकते हो? क्यों, मॉडल बनना है क्या? उन्होंने अभिषेक बच्चन, राणा, दग्गू बाती के साथ एक्शन थ्रिलर दम मारो दम में और
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित सामाजिक नाटक आरक्षण में अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ अभिनय किया। वैसे भी मुझे जामिया जाना है, मास्को का एंट्रेंस दे चुका हूं मैं। और आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा? ऑफ कोर्स डैड। बिठाइए जान। इसके अलावा 2011 में उन्होंने माय फ्रेंड पिंटो में कल्कि कोलचिन के साथ अभिनय किया। उनकी बाद की फिल्मों में एक दीवाना था, अब क्या बताऊं मैं, और इशाक शामिल है। इसक तेरा उस... दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2014 में उन्होंने पावली डैम के साथ औरोनी ताओखोन नामक फिल्म से बंगाली फिल्म की शुरुआत की। मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्ति पाने के बाद उन्होंने 2016 में जेफ गोल्डनबर्ग स्टूडियो में मेथड एक्टिंग का कोर्स करने के लिए एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। जब से तुम मिल गए, रास्ते खिल गए, खुद से लड़ने। कोर्स के बाद उनकी पहली भूमिका द गिटार नामक एक लघु फिल्म में थी। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा अमरीका के साथ अपनी फीचर फिल्म वापसी की, जिसे 2015 में संडांस फिल्म फेस्टिवल में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 2017 में उन्होंने दिल से आज़ाद नामक एक वीडियो में अभिनय किया, जिसमें व्यसनों और व्यसनों से जुड़े कलंक पर प्रकाश डाला गया। 2018 में उन्होंने फिल्म बाघी 2 से वापसी की। Hey, baby. I mean, भाभी। जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे, जहां प्रतीक ने पहली बार सनी के रूप में एक प्रतिपक्षी भूमिका निभाई। वो दो और फिल्मों में दिखाई दिए। अनुभव सिन्हा की मुल्क में उन्होंने शाहिद मोहम्मद और नितिन कक्कड़ की मित्रों में भूमिका निभाई। 2019 में वो नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और साजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे में दिखाई दिए। जो सात दोस्तों की कहानी है, वो साल 2019 की तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म दरबार में भी दिखाई दिए, जो यार मुर्गा दास द्वारा लिखित और निर्देशित और रजनीकांत अभिनीत अली राजा सुभाष करण द्वारा निर्मित है। ये डेडबॉडी की एक्टिंग कब तक करेंगे आप? कितनी गर्मी है यहाँ पर सर। देखो, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। सितंबर 2019 तक निर्माण के विभिन्न चरणों के तहत उनकी चार आगामी फिल्में ब्रह्मास्त्र, यारम और संजय गुप्ता की गैंगस्टर फिल्म मुंबई सागा है। प्रतीक बब्बर दोस्तों काफी वक्त तक लाइमलाइट से दूर रहे थे। ये आंखें सागर से गहरी, ये आंखें झुकती उठती। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म जाने तू या जाने ना से की थी। तू सच में नहीं जानती कि तू जय से प्यार करती है? तू सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकेगी? यू स्टूपिड स्टूपिड गर्ल। इस फिल्म में वो जेनेलिया डिसूजा के भाई बने थे, हालांकि फिल्म से उन्हें खास पहचान नहीं मिली। मोहब्बत है एक ख्वाब। इसके बाद प्रतीक ने एक दीवाना था और धोबी घाट जैसी हटकर फिल्मों में काम किया। प्रतीक मुल्क, बाघी 2, छिछोरे और दरबार जैसी फिल्मों में भी नजर आए। इनमें से कुछ बढ़िया रही, कुछ फ्लॉप हुई। आप मेरा फोटो ले सकते हो? क्यों, मॉडल बनना है क्या? नहीं, एक्टर बनने का। लेकिन प्रतीक ने अपने काम से सभी को खुश किया। बिजनेस तो करना ही। यार, आई डोंट वांट बिजनेस। मैं मास कॉम ही करूंगा। फिर प्रतीक बब्बर का विवादों से भी नाता रहा है दोस्तों। जो है तेरे बाजू नैना दा कम रोना तेरे। साल 2016 में प्रतीक ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि 12 साल की उम्र में उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी।
इसके चलते वो 17 साल की उम्र में रिहैब सेंटर से होकर आए थे। Right now, जो जिंदगी है यही है जिंदगी, कुछ घंटों बाद क्या होगी। प्रतीक ने साल 2018 के जनवरी महीने में अपनी गर्लफ्रेंड सानिया सागर से सगाई की थी। इसके बाद 2019 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि कुछ ही वक्त बाद इनके रिश्ते में दरार आ गई, दोनों के सेपरेशन की खबर आई थी। इसके बाद प्रतीक बब्बर का नाम बार बार देखो की एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी से जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। प्रतीक के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो उन दिनों अपनी फिल्म इंडिया लॉकडाउन को लेकर काफ़ी चर्चा में थे। ये फिल्म प्रतीक की कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन पर आधारित थी। उसमें वो प्रवासी मजदूर के रोल में नजर आए थे। पक्का ले लें? अरे ताजमहल थोड़ा ही ना खरीद रहे हैं, ले लो। एक इंटरव्यू के दौरान प्रतीक से पूछा गया था कि क्या वो अपने करियर की धीमी रफ्तार के लिए नशे को जिम्मेदार मानते हैं। सुन लो जरा, कहता है मन तुमसे ये धड़कन धड़कन। इस पर प्रतीक कहते हैं, जी हाँ, मैं अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और खुद को और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को दोनों को साथ में जिम्मेदार ठहराता हूँ। दिल दहाड़े ले जाएंगे, दिल दहाड़े ले जाएंगे। You just left me all alone in the dark. No, when you have to leave me, what you give me? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में प्रतीक बब्बर के खिलाफ गोवा में रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ था। ब्रिटिश एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिश्ते को लेकर भी प्रतीक बब्बर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एमी जैक्सन ने हिंदी फिल्मों की शुरुआत प्रतीक बब्बर के साथ फिल्म एक दीवाना था से की थी। इस दौरान दोनों के बीच प्यार बना, यहां तक कि प्रतीक ने एमी के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं चली और दोनों का ब्रेकअप हो गया।